तो आ गए आप, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए और एक खुशखबरी लेके आया हूँ। जी हाँ, 5,000 रुपये में 50 मैजिक स्टेज आइटम आपको मिलने वाले हैं। आप भी एक बेहतरीन जादूगर बनने वाले हैं, तो मात्र 5,000 रुपये में 50 जादू के स्टेज प्रोग्राम आइटम्स हम आपको देने वाले हैं। 5,000 रुपये में 50 जादू के इतने सारे सामान, जो भी आपको दिख रहा है, चाहे वो बैनर हो, चाहे वो टोपी हो, चाहे छड़ी हो, सभी आपको मिलने वाले हैं मात्र 5,000 रुपये में। तो आपको बता दूं, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं रहेगा। आपको पहले हमारे नंबर पे व्हाट्सएप पे भेजना होगा कि आपको 5,000 वाला पैकेज चाहिए। उसके बाद आपको अपना एड्रेस देना होगा, एड्रेस देने के बाद आपको पेमेंट करने होगा हमारे नंबर 9307501311 पे, यानी कि 9307501311 पे आपको पेमेंट भी करनी होगी। गूगल पे, फोन पे पेमेंट कर सकते हो, और यही व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप पे हमें एड्रेस भी भेज सकते हो, और आपका सामान आप तक पहुंचेगा मात्र 8 से 10 दिनों के अंदर अंदर आपका सामान आपके पास होगा। हमारे पास फ्रॉडबाजी का कोई सिस्टम नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने पैसे डाल दिए और आपके जो सामान है वो आप तक नहीं पहुंचा, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है हमारे साथ आज तक। जो कस्टमर मंगाते हैं उनको पता होगा, और हाँ, जिन्होंने मंगाया है, जिनको सामान मिला है, वो कमेंट करके जरूर बताएं कि सामान मिला है या फिर नहीं। जिनको नहीं मिला है वो भी जरूर बताएं कि भाई हमने मंगाया था और हमें नहीं मिला। तो चलिए आप शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि जी 5,000 रुपये में हम 50 आइटम आपको दे रहे हैं। उसमें पहले नंबर पे है ये बैनर। जी हाँ, ये बैनर आपको मिलने वाला है। यहाँ पे तो मेरा नाम लिखा हुआ है, SSA मैजिशियन, मेरा नंबर भी यहाँ पे दिख रहा होगा, बट आपको हम इतना ही लिखा हुआ देंगे, जादूगर का मैजिक शो, और यहाँ पे आप अपने डिटेल्स भरवा सकते हैं। ये बैनर आपको नहीं आएगा, इसके जैसे ही बैनर आपको दूसरा दिया जाएगा जिस पे ये नहीं होगा SSA मैजिशियन। सिर्फ इतना होगा, जादूगर का मैजिक शो, और ऊपर नीचे आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। और दूसरी चीज आपको मिलने वाली है ये मैजिक कैप। जी हाँ, ये कैप भी आपको मिलने वाली है, और ये टोपी आपको यहाँ पे हम देने वाले हैं, जो 5,000 रुपये में 50 आइटम है, सॉरी। तो नेक्स्ट, यहाँ पे आपको हम यहाँ पे डब पैन देने वाले हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी आइटम हमने इस पे रखी हुई है। यहाँ पे देखो, डब पैन है। हम क्या करते हैं, इस डब पैन में एक बॉल डालते हैं, खाली है, ये बॉल डाली और इसको ऐसे बंद किया। ऐसे बंद करने के बाद यहाँ पे देखो, ये बॉल का सेप बन गया। जी हाँ, बॉल का बन चुका है एप्पल सेप। तो अब ये कैसे होता है ये भी बताते जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आपको वैसे पता होगा, इसमें आप कबूतर रख सकते हैं, खरगोश रख सकते हैं, या फिर जो भी आपको रख रहे हैं, स्प्रिंग फ्लावर रख सकते हैं। जैसे कि ये स्प्रिंग फ्लावर भी आपको मिलने वाला है इसके साथ में। स्प्रिंग फ्लावर अगर आप रखते हैं तो, जैसे मान लो कि अगर स्प्रिंग फ्लावर रखते हैं तो ऐसे ही, और अगर कबूतर रखते हैं तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, 1, 2 एंड 3। आपको क्या करना है, इसमें आपको चाहे कबूतर रखो या खरगोश रखो या स्प्रिंग फ्लावर रखो, स्प्रिंग फ्लावर ऐसा रखा, ठीक है, और इसको यहाँ पे ऐसे लॉक करके रखा। ओके, अब आपको दिखाना है कि ये खाली है, ये बिल्कुल खाली है। अब हमें क्या करना है, इस पर आग जलानी है टिश्यू पेपर से, ऐसे बंद करना है, जैसे ही खोलोगे तो ये फ्लावर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी यहाँ पे तीसरी आइटम। अब हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट आइटम आपको मिलने वाली है यहाँ पे, ये अंडे का फंडा, जो कि सभी जादूगर के पास होता है, बिल्कुल खाली होता है। इस पे ऐसे मैजिक करते हैं, फूंक मारते हैं, 1, 2, 3, और देखो अंडा आ जाता है। इस अंडे को बाहर निकालते हैं कुछ इस प्रकार से, ऐसे बाहर निकाला, फेंक दिया, दोबारा मैजिक लगाएंगे, 1, 2, 3, और ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको मिलने वाला है यहाँ पे, देखो अंडा इसी के अंदर गायब हो जाता है, मैं सिखा रहा हूं, इसके अंदर अंडा जो है गायब हो जाता है, ये देखो ऐसे, है ना। तो ये आइटम भी आपको मिलने वाली है। और नेक्स्ट आइटम आपको मिलने वाली है यहाँ पे, ये कोको कोला गायब। जी हाँ, यहाँ पे एक कोको कोला होती है हमारे पास, देखो नॉर्मल ऐसे दिखा सकते हो आप लोग, ऐसे इसको कवर कर देना है, बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है, ऐसे इसको कवर कर देना है आपको। और कवर करने के बाद इस पर आप रुमाल डाल सकते हैं, कोई सा भी, ठीक है। ऐसे रुमाल डाला, ये देखो खाली रुमाल है, इसके ऊपर डाला कोको कोला, देखो यहाँ पे इसके ऊपर रुमाल डाला ऐसे, और रुमाल को हटा दिया, ऐसे रखा, और देखो कोको कोला है वैनिश, गायब। अब ये कैसे होता है, इसके अंदर ही कोको कोला होती है, ये देखो इतना पार्ट्स, और जो हम रुमाल डालते हैं वो इसमें ऐसे लग जाता है, ये देखो इस प्रकार से, और ये खाली होता है। हम क्या करते हैं, जब रुमाल डालते हैं तो इसको हटा देते हैं, इस पार्ट्स को हटा देते हैं और ऐसे दिखाते हैं, ये पाइप ही बन जाता है ना। तो ये भी आपको मिलने वाला है,
इसके साथ में। जो नेक्स्ट आइटम आपको मिलने वाली है यहां पे, ये तलवार। जी हाँ, ये तलवार भी आपको मिलने वाली है। 5000 के जो 50 आइटम हम आपको दे रहे हैं, ये तलवार भी उसमें आपको मिलने वाली है। ऐसे जादूगर खा लेते हैं। और ये देखो, तलवार आ चुकी है दोस्तों बाहर। हमने पूरी इसको खाया था और पूरी ये बाहर आ चुकी है। अब ये कैसे होता है, ये इस प्रकार से होता है। ये फोल्डिंग तलवार होती है ऐसे, और ये झटके देने पे खुल जाती है। इसे आप किताब से भी निकाल सकते हो, बुक टू तलवार किताब से निकाल सकते हो, चेंजिंग बैग से निकाल सकते हो, इसको आप कहीं से भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट आइटम आपको यहाँ पे मिलने वाली है ये लोटा, वाटर ऑफ इंडिया। इसका पानी कभी खाली नहीं होता है। खाली करेंगे, देखो पानी नहीं है, किसी को दिखा भी सकते हैं पानी नहीं है। ऐसे मैजिक लगाएंगे, आबरा डबरा गिली गिली छू, जैसे ही मैजिक लगाएंगे इसमें पानी आ जाएगा। दोबारा से मैजिक लगाएंगे और पानी यहाँ पे दोबारा से आ जाएगा। खाली है, दोबारा ऐसे करेंगे, मैजिक लगाएंगे, आबरा डबरा गिली गिली छू, और यहाँ पे आ जाएगा पानी। इससे आप कई बार पानी निकाल सकते हो। इस मैजिक का नाम है वाटर ऑफ इंडिया। अब ये काम कैसे करते हैं, वैसे आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे एक छेद होता है। ये देखो, हम जिसको अगर इसको बंद करते हैं, पहले से इस पर पानी भरा हुआ रहता है। अगर ऐसे बंद रखेंगे तो पानी नहीं आएगा, और इस छेद को छोड़ देंगे तो इसके अंदर पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस ये भी आपको मिलने वाला है वाटर ऑफ इंडिया। और नेक्स्ट आइटम हमारे पास है यहाँ पे आप लोगों के लिए एक रुमाल। देखो, एक रुमाल है हमारे पास, सिंपल सा रुमाल है, सॉरी रिबन है। ऐसे मैजिक करेंगे रिबन से और ये छड़ी बन जाएगी। तो रिबन से छड़ी भी आपको मिलने वाली है इस पैकेज के साथ में। अब इसको फोल्ड कैसे करते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से इसको फोल्ड किया जाता है ऐसे, और ऐसे फोल्ड करने के बाद यहाँ पे एक क्लिप लगी हुई होती है। ये देखो, एक क्लिप रिबन बांधा हुआ है। आप दूसरे पे रुमाल भी बांध सकते हो, रिबन भी बांध सकते हो, और एक क्लिप को आपको ऐसे छोड़ देना है ऐसे, और ये बन जाती है छड़ी। ये देखो, तो ये आइटम भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, यानी कि रिबन से छड़ी भी आपको। 5000 का जो 50 आइटम हम आपको दे रहे हैं, इसमें आपको रिबन से छड़ी भी मिलने वाली है। तो अभी नेक्स्ट आइटम की ओर चलते हैं। यहाँ पे आपको मिलने वाली है एक जादू की छड़ी, इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो, और एक कटोरा रहेगा। इस पर मैजिक करेंगे इस प्रकार से, और इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैजिक करेंगे, ऐसे करेंगे, और ये गमले में फूल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आइटम भी आपको मिलने वाली है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास ये फूल होता है, इस छड़ी के अंदर ऐसे घुसाया हुआ रहता है, और इसके अंदर चुंबक रहता है, यानी कि मैग्नेट रहता है। देखो, इस मैग्नेट को आपको आगे पे लाना है। यहाँ पे देखो, मैग्नेट दिख रहा होगा, और ये मेटल का होता है, ठीक है, मेटल की परत लगी हुई होती है। हमें इसको ऐसे, और मैग्नेट चिपक जाएगा, ये छड़ी बाहर आ जाएगी। तो इसको इस प्रकार से किया जाता है। तो ये आइटम भी आपको इनके साथ में मिलने वाली है, जो हमने आपको 5000 में 50 आइटम दे रहे हैं, उसके साथ में आपको ये आइटम भी मिलने वाली है, ठीक है। और नेक्स्ट हम आपको दिखाने वाले हैं, यहाँ पे आपको मिलने वाला है यहाँ पे छाता। जी हाँ, ये छाता अभी मैं आपको निकाल के नहीं दिखाया, क्योंकि मैंने हाफ शर्ट पहनी हुई है, तो इससे ये नहीं निकलेगा। बट इसमें क्या होता है, फुल बाजू की शर्ट या कोट पहनना पड़ता है, जिसमें कि छाते को ऐसे रखना पड़ता है। ऐसे रखोगे, रुमाल को हिलाओगे ऐसे, और जैसे ही ऐसे पकड़ोगे तो ये छतरी बन जाएगी, है ना। तो ये छाता भी आपको मिलने वाला है 5000 में जो 50 आइटम है, उसमें आपको अम्ब्रेला भी मिलने वाला है। जी हाँ, और नेक्स्ट आइटम आपको मिलने वाली है यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार और शानदार, सबका फेवरेट चेंजिंग बैग, ठीक है। ये खाली होता है बिल्कुल, ये देखो खाली। हम क्या करेंगे, इसमें इस टिशू को डाल देंगे, ठीक है। टिशू को इसमें डाला, मैजिक किया, और ये नॉट बन जाएंगे, ये देखो, ठीक है। तो ये आपको पता होगा कि ये कैसे होता है। ऐसे करेंगे, इसको इसमें डालेंगे, मैजिक लगाएंगे, गिली गिली छू, और यहाँ पे बन जाएगा दोबारा टिशू।
है ना। तो ये आपको यहाँ पे इसमें बटन होता है, ये देखो इस प्रकार से यहाँ पे, और इसके अंदर दो खाने होते हैं, ये देखो एक दो, एक दो, एक में आप पहले से ही कुछ डाल के ला सकते हो, जैसे कि हमने नॉट की गड्डी डाली थी, आप पहले से ही कुछ भी इसमें डाल के ला सकते हो। और उसके बाद आपको दिखाना है कि इसका क्या बन चुका है, ठीक है। इसका दिखाने का अलग अलग तरीका है, कैसे भी दिखा सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगता है आप वैसे इसको दिखा सकते हो, ठीक है। तो चेंजिंग बैग भी आपको मिलने वाला है इसके साथ में, और नेक्स्ट आइटम आपको मिलने वाली है यहाँ पे स्टिक रॉप। ये देखो नॉर्मल रस्सी रहती है दोस्तों, नॉर्मल रस्सी इस प्रकार से मैजिक लगाते हैं और ये स्टिक बन जाती है। देखो दोबारा मैजिक करते हैं और ये गिर जाती है, ऐसे मैजिक लगाया, ऐसे लगाया और ये स्टिक बन गई, 1 2 3 और ये गिर गई। ये देखो यहाँ पे होता क्या है, जब हम स्टिक लगाते हैं ऐसे मैजिक लगाते हैं तो इस अंगूठे को ऐसे घुमा देते हैं, ठीक है। तो ये रस्सी भी आपको मिलने वाली है, ओके। स्प्रिंग फ्लावर हमने आपको बता दिया, और नेक्स्ट आपको मिलने वाला है यहाँ पे कलर चेंज हैंकी। ऐसे रहता है नॉर्मल, कलर देख लो और मैजिक करेंगे कलर बदल जाएंगे, है ना। तो इसके यहाँ पे सिंपल सा फंडा रहता है, ये ऐसे ऐसे खींचना है कलर बदल जाएगा, ऐसे खींचना है कलर बदल जाएगा। ये देखो यहाँ से ऐसे खींचने के लिए रहता है, ऐसे कलर बदल जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट आइटम आपको मिलने वाली है यहाँ पे ये मिल्क बोतल, ऐसे दूध पिया खाली और कान से निकाला, है ना। तो यहाँ पे ये दूध बोतल आपको मिलने वाली है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, इस पे जितना भी दूध होता है वो उतना ही दूध होता है कि इस रेड कलर के ढक्कन में गायब हो जाता है। अगर सीधा करोगे तो भर जाएगी, उल्टा करोगे तो खाली हो जाएगी, ये इसकी ट्रिक्स थी, है ना। और आपको मिलने वाला है यहाँ पे देखो एक लूडो गोटी है छोटी सी, इस पे मैजिक करेंगे ऐसे 1 2 3 और ये बड़ी हो जाएगी, और दोनों चेक करा सकते हो। तो इसमें आपको तीन प्लेट आती है, 1 2 और 3, ये देखो, जो कि इसके ये पहले से ओपन रहती है, ये इसके अंदर ऐसे रहती है, ये देखो, और ये इसके अंदर आ जाता है और ये ऐसे दिख जाता है ना, काफ़ी कमाल। तो ये प्लेट्स भी आपको मिलने वाली है। और नेक्स्ट आइटम आपको मिलने वाली है यहाँ पे मैजिक कलरिंग बुक्स, ये देखो ध्यान से देखना, खाली, बिल्कुल खाली खाली, मैजिक करेंगे और ये पेंटिंग आ जाएगी, मैजिक करेंगे पेंटिंग, दोबारा मैजिक करेंगे कलर हो जाएंगे, दोबारा मैजिक करेंगे ये गायब हो जाएंगे, ये देखो। तो ये मैजिक कलरिंग बुक्स भी आपको मिलने वाली है इस पैकेज में, जो 5000 का हमने 50 पैकेज आपके लिए निकाला है। अब ये होता कैसे है ध्यान से देखना, 1 2 3, अगर यहाँ से पलटोगे सबसे नीचे से तो खाली दिखेगी, सबसे ऊपर से पलटोगे तो ब्लैक एंड वाइट चित्र आएंगे, और बीच से पलटोगे तो कलरफुल आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 2 3, यहाँ से पलटी खाली, ऊपर से पलटी ब्लैक एंड वाइट चित्र, बीच से पलटी तो कलरफुल, ये इसकी ट्रिक्स थी। नेक्स्ट आइटम आपको मिलने वाली है यहाँ पे, ये देखो एक टिश्यू पेपर रहेगा, इस टिश्यू पेपर को खा के आप बहुत बड़ी एक माला निकाल सकते हो, ये देखो इसके अंदर हमारा रोल रहता है, ठीक है। टिश्यू पेपर को खा खा के आपको इसको भी मुंह में डालना है और ऐसे खींच लेना है, और ये प्लास्टिक में आता है, कभी ख़राब नहीं होगा, बार बार आप इसको दिखा सकते हैं, ओके। और नेक्स्ट आइटम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पे, ये हमारे पास 3 रुमाल हैं, 1 2, 2 रुमाल हैं। ये क्या हो गया, ये मम्मी है और ये पापा है, ठीक है। मम्मी पापा मेले में गए थे और उनका बच्चा कहीं खो गया है, बच्चा कहीं खो गया है। अब मम्मी पापा हाथ पकड़ के जो हैं साथ में जा रहे हैं ऐसे, ओके। जैसे ही मैजिक करते हैं तो बच्चा जो है बीच में आ जाता है, देखा आपने कैसे बच्चा बीच में आ गया। तो ये भी आपको मिलने वाला है, इसका नाम है मम्मी डैडी शन। तो ये मैजिक भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अब इसमें क्या होता है, इसमें मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले
इसमें आपको तीन हंकी दिए जाएंगे, यहाँ पे मेरे पास दो ही हंकी पर आपको तीन दिए जाएंगे, ऐसा एक और दिया जाएगा, ये इसके अंदर ही सिला हुआ रहता है, हमें इसको इसके अंदर ऐसे ही डाल देना है, ठीक है, ऐसे फंसा देना है, मतलब इसके अंदर सिला हुआ रहता है, ये इसके अंदर कंपार्टमेंट बनाया हुआ रहता है, ऐसे डाल देना है, और जैसे इसको बाहर खींचोगे तो ये बच्चा बाहर आ जाएगा। तो ये मम्मी डैडी शन भी आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट आइटम आपको मिलने वाली है, नॉर्मल कार्ड रहेंगे सभी के सभी, ये देखो नॉर्मल कार्ड रहेंगे, इन कार्ड पे मैजिक करेंगे, ये देखो फेंटेंगे, मैजिक करेंगे, वन देखा, और कार्ड एकदम नॉर्मल रहेंगे, ये देखो। तो ये है स्प्रिंग कार्ड, ये भी आपको मिलने वाले हैं। इसमें क्या होता है, 10 कार्ड नॉर्मल होते हैं, बाकी सब स्प्रिंग बनाए हुए रहते हैं, ये देखो इस प्रकार से, इनको आप कई तरीके से जो है देखो दिखा सकते हैं, इनका फ्लावर भी बना सकते हैं, इनको ऐसे भी दिखा सकते हैं, इनको आप कई तरीके से दिखा सकते हैं। स्प्रिंग कार्ड हैं, ये भी आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइटम आपको मिलने वाली है यहाँ पे, काफ़ी मज़ेदार और शानदार, खाली हाथ रहेगा, ऐसे खाली हाथ पे फ्लावर आ जाएगा, इसको इसमें डालेंगे दोबारा से फ्लावर आ जाएगा, इसको इसमें डालेंगे दोबारा से खाली हाथ से फ्लावर आने स्टार्ट रहेंगे। तो यहाँ पे आपको ये मिलने वाला है स्पेशली, ये फ्लावर जो कि ऐसे रिंग बनी हुई रहती है और इसको हमें इसमें पहनना होता है, ऐसे करते हैं तो फ्लावर आ जाता है, ऐसे करते हैं तो गायब हो जाता है, ऐसे। तो ये भी आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट आइटम आपको मिलने वाली है ये बोतल, ये बहुत जादुई बोतल है, पहले इस पे पानी डाल देते हैं, पानी डाल दिया इस पे आप लोगों के सामने, अब क्या करते हैं हम इसको ऐसे उल्टा कर देते हैं, और देखो पानी नहीं गिरेगा, ठीक है, देखो इस बोतल से पानी गिरेगा ही नहीं, ऐसे करेंगे पानी गिरना स्टार्ट हो जाएगा, ये देखो नॉर्मल है ना। तो इस बोतल में क्या होता है, ये बोतल भी आपको मिलने वाली है, इस बोतल में एक कंपनी से ही एक जाली लगी हुई रहती है, यहाँ पे देखो एक जाली लगी होगी, और जब हम इसको ऐसे करते हैं तो वो जाली वैक्यूम बना लेती है और पानी नीचे नहीं गिरता है, ठीक है। तो ये आइटम भी आपको मिलने वाली है। उसके बाद आपको मिलने वाला है ये फ्लावर, देखो फ्लावर का कलर आपको ध्यान से देखना है, हम मैजिक करेंगे 1 2 3 और कलर हो जाएगा चेंज, है ना। तो इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसे है, ये देखो यहाँ पे बटन होता है, और ये फ्लावर भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप को मिलने वाला है आग से फूल बनाना, यहाँ पे देखो ये आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है, ऐसे मिलेगा, यहाँ पे एक कॉटन का कपड़ा लगा हुआ होगा, इस पर आपको डीजल या पेट्रोल डालना है, इसको जलाना है, जैसे जलाओगे तो इस फ्लावर को ऐसे हाथ पे पकड़ के रखना है, ऐसे करोगे तो यहाँ पे जो है आग से फूल बन जाएगा। तो ये आइटम भी आपको मिलने वाली है, ठीक है। और नेक्स्ट आइटम आपको मिलने वाली है ये छड़ी, ये जादुई छड़ी है दोस्तों, ये देखो उछल, ये देखो ये उछल जाती है, ये अपने आप चलने लग जाती है, ये देखो ऊपर आ है, तो ये जंपिंग स्टिक बोलते हैं, यहाँ पे देखो इसके रबड़ लगा हुआ रहता है, ऐसे करते हैं और ये उछल जाती है, ये देखो ये स्टेज पे उछलती है, ठीक है, ऐसे ये रबड़ लिया, ऐसे किया और इसको ऐसे पकड़ा, ये ऊपर आ जाएगी, है ना। तो ये जंपिंग स्टिक भी आपको मिलने वाली है। उसके बाद आपको मिलने वाला है यहाँ पे कार्ड फ्रेम, एक कार्ड, इसके अंदर एक कार्ड होगा, हम निकाल लेते हैं, ये देखो एक कार्ड है, इस कार्ड को क्या करते हैं इसमें डाल देते हैं, ऐसे डाल दिया और इस खाली कवर में इसको ऐसे डाल दिया, फिर निकाला, कार्ड इसके अंदर ही होगा और इस कवर को यहाँ पे रख देते हैं, मैजिक करते हैं 1 2 3 गिलगिली छू और ये गायब, कार्ड आ चुका है इसके अंदर। अब ये कैसे होता है, इसके अंदर दोस्तों ऐसे कटा हुआ एक कार्ड का पीसेस ऑटोमेटिक रहता है, हमें इसको बंद करना है और इसको ऐसे करना है और इसको ऐसे जब निकालते हैं तो कार्ड इसके अंदर तभी आ जाता है, और ये जो कटा हुआ पीस है ये अपने आप ऊपर नीचे गायब हो जाता है। तो ये कार्ड फ्रेम भी आपको मिलने वाला है 5000 में, जो 50 आइटम है
उसमें आपको ये कार्ड फ्रेम भी मिलने वाला है। नेक्स्ट आइटम है बाजा। यहाँ पे देखो ऐसे आपको बाजा मिलेगा, बाजा गायब करने वाला जो रहता है। हमको क्या करना है, इसको इस प्रकार से ऐसे बना लेना है, ऐसे जैसे छड़ी होती है ना, सेम होता है ये, ऐसे ऐसे बना लिया, ये बाजे का ढक्कन यहाँ पे ऐसे लगा दिया, थोड़ा आपको बड़ा कर लेना है, ऐसे लगा दिया। ये देखो अब ये एक बाजा बन गया, इसके बजा भी सकते हैं, ये बजता भी है। हमें क्या करना है, इसको ऐसे इस कैप को हटाना है और ये रिबन बन जाएगा। ये देखो ये बन जाता है रिबन। तो ये बाजा गायब भी आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट आइटम यहां पे हम आपको दिखाने वाले हैं, ये देखो हमारे पास एक कार्ड की टैग है, इससे एक कार्ड निकालते हैं। ये देखो कार्ड निकाला और यहां पे हमारे पास एक पेन है। जी हाँ, ये देखो पेन है, नॉर्मल पेन है। हम क्या करते हैं, इस पेन को लेते हैं और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रखते हैं और पेन को उठाया और इसके कार्ड के अंदर किया। ये देखो आर पार हो गया। अब मैजिक करेंगे 1 2 3 और कार्ड भी नहीं फटेगा और पेन भी नॉर्मल रहेगा। तो ये मैग्नेट पेन होता है, यहाँ पे देखो मैग्नेट पेन है, ये ऐसे चिपक जाता है। तो हमें क्या करना होता है, जब इस पे ऐसे रखते हैं तो ऐसे एक पीस यहाँ पे छोड़ दिया पेन का, ये देखो, और दूसरा ऐसे ले लिया। ऐसे लेंगे तो वो चुंबक से जो है वो चिपक जाएगा, जब निकालना है तो ऐसे भी हो जाएगा। तो मैग्नेट पेन आपको मिलने वाले हैं और आपको ये दो पेन मिलने वाले हैं इसके साथ में, ठीक है, एक नहीं दो। नेक्स्ट हमने जो कार्ड की डेक दिखाई थी, ये कार्ड की डेक हमारे पास है यहाँ पे देखो, ठीक है। इस कार्ड को हम क्या करते हैं, इस गड्डी में डाल देते हैं ऐसे। हमने कार्ड को यहाँ पे डाला और इस डेक को इसके अंदर डाल देते हैं, खाली फ्रेम के अंदर इस डेक को जो है डाल देते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस डेक को इस फ्रेम में ऐसे डाल देंगे, मैजिक करेंगे 1 2 3 और ये गायब, वैनिश है ही नहीं। देखो तो ये कैसे होता है, यहाँ पे सबसे पहले ये जो फ्रेम है, ये फ्रेम ही है, इसके अंदर एक ही कार्ड है और कुछ भी नहीं है, एक ही कार्ड है, ठीक है। तो हम जब गायब करते हैं, जब दिखाते हैं तो ऐसे रहता है और जब गायब करना है तो इसको ऐसे डालना है और ये हो जाता है गायब। नेक्स्ट आइटम आपको मिलने वाली है यहाँ पे, मज़ेदार आइटम मिलने वाली है। ये देखो हमारे पास एक रिबन है ना, काफ़ी बड़ा रिबन हमारे पास रहता है। इसको ऐसे खाली हाथ की मुट्ठी में ऐसे रिबन डाल देंगे, ठीक है, ऐसे मुट्ठी खाली है, इस पर रिबन डाला इस प्रकार से, ऐसे मैजिक किया 1 2 3 और गायब। तो ये अंगूठे से होता है, यहाँ पे मैजिक थंब भी आपको मिलने वाला है। ये देखो मैजिक थंब, इसको पहन के आप कुछ भी गायब कर सकते हैं, टिश्यू पेपर, रिबन, या फिर किसी के बालों से निकाल सकते हैं, किसी के जेब से निकाल सकते हैं, आप कैसे भी इसको गायब करके निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट आइटम आपको मिलने वाली है यहाँ पे, ये बॉक्स खाली है बिल्कुल, किसी से भी चेक करवा सकते हो, बिल्कुल खाली, ऐसे मैजिक करते हैं, वाओ, 1 2 है, खाली है, बिल्कुल खाली है। देखो मैजिक करेंगे, बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, मैजिक करेंगे, वाओ वाओ, और अभी भी ये खाली है। अब ये होता कैसे है, तो ये फोल्डिंग गोटियां हैं, ऐसे फोल्ड हो जाती है, स्प्रिंग लगा हुआ रहता है इसके अंदर, वायर लगा हुआ रहता है, ये देखो ध्यान से, ये देखो ऐसे फोल्ड हो जाती है। ये फोल्ड होने के बाद यहाँ पे आपको इसको इसके अंदर सेट करना होता है, ऐसे फोल्ड हुआ, ठीक है, फोल्ड करने के बाद आपको इसको ऐसे बंद कर देना है इस ढक्कन को, और ये खाली लगते हैं। अब जैसे ही इस ढक्कन को आप खोलोगे यहाँ पे, तो ये सब के सब लूडो गोटी बन जाएगी, है ना। तो ये भी आपको मिलने वाला है, जो 5000 में आपको 50 आइटम दे रहे हैं वो इसमें आप ये भी मिलने वाला है। नेक्स्ट आइटम है पेपर में पानी गायब करना, ऐसे बुक में पानी गायब हो जाता है। जी हाँ, यहाँ पे देखो, पहले बुक देखो, नॉर्मल है, नॉर्मल बुक है सभी। हम क्या करते हैं, इसका ऐसे रोल बनाते हैं,
ऐसा रोल बनाने के बाद पानी को यहाँ पे डाल देते हैं कुछ इस प्रकार से। ऐसे डाला, मैजिक किया और पानी वैनिश यानी कि गायब। देखो है ना, दोबारा इसको मैजिक लगाया, हे पानी वापस आ जाओ, और पानी वापस आ जाता है। तो इस बुक में आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ प्लास्टिक का एक पेपर मिलता है, यहाँ पे पॉकेट बना हुआ होता है, इसी में पानी डालना पड़ता है और इसी से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट आइटम आपको मिलने वाली है यहाँ पे ये फनल, इसमें पानी डालते हैं। ऐसे पानी डाला और हम क्या करेंगे, इस पानी को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। पानी रखा और इसको नीचे गिरा दिया, ये देखो खाली है, बिल्कुल बिल्कुल खाली है आप लोगों के सामने। पानी आ जा, देखो पानी आ गया, रुक जा, रुक गया, निकल, आ गया, रुक जा, रुक गया, पानी आ गया। तो इसी प्रकार से यहाँ पे पानी आता रहता है और कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो ये भी सेम वाटर ऑफ इंडिया की तरह है, यहाँ पे भी एक छेद आपको नज़र आ रहा होगा, इसको जैसे ही दबा के रखोगे तो पानी नहीं आएगा, छोड़ दोगे तो पानी आ जाएगा। तो ये आइटम भी आपको मिलने वाली है इसके साथ में। नेक्स्ट आइटम आपको मिलने वाली है नोट बॉक्स। ये नोट बॉक्स आप किसी से भी खुलवाओगे नहीं खुलेगा, ठीक है, इसे आप ही खोल सकते हैं। देखो ऐसे खोला, बंद किया, किसी को भी पकड़ा दो वो नहीं खोल पाएगा। इसकी ट्रिक्स है, मैं आपको बता देता हूँ, करके देखना। यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे हाथ लगा के खिला तो ये खुल जाता है, ऐसे बंद किया तो ये बंद हो जाता है, ऐसे खोला तो ये खुल जाता है। पर इसके दो कॉर्नर ही पकड़ने होते हैं, एक दो ऐसे, तभी ये खुलता है। और कोई कैसी भी कोशिश करेगा ऐसे ऐसे पूरा खींच के नहीं खुलेगा, है ना। तो ये भी आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट आइटम आपको मिलने वाली है यहाँ पे ये वाला, ये देखो यहाँ पे ये है, इसके अंदर हम ये लूडो गोटे डाल देते हैं और ये ऐसे बंद कर देते हैं, मैजिक करेंगे और गायब, ये देखो गायब। तो इसमें आप कैसे भी कर सकते हो, इसमें आप माचिस की सिगरेट बना सकते हैं, बीड़ी से सिगरेट बना सकते हैं, फड़े हुए कार्ड को जोड़ सकते हैं, कुछ भी आप इससे कर सकते हैं। अब बता देता हूँ करना कैसा है। जैसे अभी मैं लूडो बाहर निकालूंगा तो ये देखो यहाँ पे लूडो गोटी है, इसको बंद करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसको बंद करने के बाद यहाँ से प्रेस करना है ऐसे और ये गायब हो जाएगा। इसका सिंपल सा फंडा है, यहाँ से और यहाँ से लॉक है, अगर ऐसे दबाओगे तो दूसरा खुलेगा, ऐसे दबाओगे तो दूसरा खुलेगा। तो ये भी आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट आपको मिलने वाली है, खाली है, खाली है, मैजिक करेंगे, देखो सब के सब नॉट बन जाएंगे। तो इस पर क्या होता है दोस्तों, इस पर ना सेम कलरिंग बुक की तरह है, एक दो, यहाँ से करोगे तो खाली, देखो यहाँ से करोगे तो खाली और यहाँ से करोगे तो नॉट आ जाएंगे, बस। नेक्स्ट हमारे पास है एक गुलदस्ता जिसपे फूल नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, लेके आ दो मिनट के लिए, ये पकड़ा और ये लगाया, वाओ, लेके जाओ, लेके आओ, लाया, लेके जाओ, लेके आओ। देखो इस पे सिंपल सी ट्रिक्स है, 1 2 1 2, इस पे बटन होता है, ये देखो ऐसे ये काम करता है। नेक्स्ट आइटम आपको मिलने वाली है ये बल्ब, जल, जल गया, बुझ जा, बुझ गया, जल जा, ओ बुझ जा, अबे जल, बुझ, जल, बुझ, जल, बुझ, ऐसे आप इससे कॉमेडी अच्छी कर सकते हो। ये बल्ब कई तरीके से जलता है, मतलब जलता तो एक ही तरीके से है पर तरीका अलग अलग दिखा सकते हैं। बच्चे के नाक दबाने से जल जाएगा, बच्चे के कान दबाने से जल जाएगा, या बच्चे के कुछ भी बटन बना लो वो जल जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें ना कोई बटन नहीं होता है, इसमें सेल होते हैं, ये खुलता है और इसमें घड़ी वाले सेल डालते हैं, और इसके साथ आपको एक अंगूठी दी जाती है, ऐसी ये रिंग दी जाती है। तो इस रिंग को जैसे यहाँ पे टच करोगे तो ये जलना स्टार्ट हो जाएगा, ये देखो इस प्रकार से। तो इसकी ये ट्रिक्स है। नेक्स्ट आइटम आपको मिलने वाली है यहाँ पे कार्ड, ये देखो हमारे पास एक कार्ड है, ठीक है, हम मैजिक करेंगे इस पर और मैजिक करते ही ये बन जाएगी माचिस, जिसमें यहाँ से तिलियाँ है, ठीक है, यहाँ से
है, सीक्रेट है, यहां से खाली है, ठीक है, यहां से बीड़ी है। तो ये माचिस आपको मिलने वाली है, यहां पे ऐसी कार लगा हुआ होता है, इसको ऐसे बंद करते हैं, इसको ऐसे बंद करते हैं, ये माचिस बन जाती है। इसके चारों तरफ से चारों चीज भरी हुई है, तीन चीज भरी हुई है, एक खाली है, ठीक है। तो ये माचिस भी आपको मिलने वाली है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम जो है वो ज़्यादा ना लगे। और ये बॉल स्टैंड भी आपको मिलने वाला है ऐसे, और इस पर मैजिक करेंगे और बॉल हो जाएगी गायब, है ना, गायब हो गई है बॉल। अब इस पर मैजिक करेंगे और बॉल वापस आ जाती है, देखो। तो ये बॉल स्टैंड भी आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट आइटम आपको मिलने वाली है यहाँ पे अप डाउन बॉल। देखो ये नॉर्मल बॉल है, ऐसे नॉर्मल चलती है, ठीक है, रुक जा और रुक गई, चल रुक पूरी चल, ये देखो ऐसे चल रुक, चल रुक, नीचे आ पूरी आ, चल ले रुक जा, चल रुक जा, चल चल रुक, ये देखो। तो इसमें क्या होता है, जब हम इसको टाइट रखते हैं तो ये कहीं नहीं जाती है, ढीला छोड़ते हैं तो ये आने लगती है, देखो। तो ये रस्सी का अगर टाइट करेंगे तो बॉल कहीं नहीं जाएगी, थोड़ा ढीला करेंगे तो ये आने लग जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आइटम आपको ये मिलने वाला है यहाँ पे, और ये भी यहाँ पे देखो, एक बॉक्स है जिसमें एक देखो लूडो गोटी थी, और इसके बहुत सारे छोटे छोटे दाने बन चुके हैं। अब ये होता कैसे है, देखो लूडो गोटी थी ना, वो इसके अंदर ही है, ये ऐसे आपको रखना है यहाँ पे इस प्रकार से, और इसको ऐसे फिट कर देना है। अब ये जो लूडो गोटी है ये मेटल की परत से बनी है, और यहाँ पे चुंबक लगा है, तो ये यहाँ पे ऐसे चिपक जाएगी, ये देखो, और ये नीचे आ जाएगी। और इस बॉक्स पे आप कुछ भी डाल सकते हो, वो गायब हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्वाइन बॉक्स है, देखो इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, मैजिक करेंगे 1 2 3 क्वाइन आ जाएगा, देखो, ठीक है। अब इस क्वाइन को यहाँ पे डालते हैं, ऐसे मैजिक करते हैं 1 2 3 और क्वाइन गायब, है ना। तो यहाँ पे दोनों आइटम का मैं बता दूँ, इस पर एक परत होती है ऐसी, देखो इस पर लगी हुई होती है, जो कि ऐसे पकड़नी होती है, जब ये यहाँ से यहाँ आएगी इसके ऊपर ऐसे रह जाएगी, और इसके नीचे जो चीज़ें होगी वो गायब हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों भी आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट आइटम आपको मिलने वाली, एक बॉक्स रहता है, इसमें एक ये है डाइज है, जिसमें अलग अलग कलर हैं, किसी को भी बोल लो कि इसमें कोई कलर डाल लो आप, ठीक है, ऐसे, और इसको बंद कर दो, मैं बता दूंगा कि ये कौन सा है, ये ब्लू कलर है, तो आप इसे पता लगा सकते हो, ठीक है। तो ये बॉक्स भी आपको मिलने वाला है, और यहाँ पे ये आपको मिलने वाला है कलर चेंज गोटी, जो गोटी अपना कलर बदल देती है, ठीक है, ये दो गोटी होती है। और नेक्स्ट आपको मिलने वाला है, लास्ट एंड आखिरी आइटम आपको ये कार्ड का मिलने वाला है। देखो पहले आप चेक कर सकते हो, कार्ड सभी नॉर्मल हैं, रैंडम हैं, ये देखो नॉर्मल कार्ड हैं सभी। तो हम क्या करेंगे, इन कार्ड को ऐसे यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, कहीं किसी को भी बोलेंगे कि एक कार्ड निकालो, ये निकाला और एक कार्ड देख लेना है, ठीक है, 8 का 7 है, ऐसे बंद करेंगे, ठीक है, 8 का 7 था, उन्होंने 8 का 7 निकाला है, और हम क्या करेंगे, इस 8 के 7 को नीचे रखेंगे और आपको दिखाएंगे कि सभी कार्ड 8 के 7 ही है। इससे अलग अलग मैजिक होते हैं, बहुत सारे मैजिक होते हैं, इस डेक से बहुत सारे मैजिक किए जा सकते हैं। तो इसे भी आप यहाँ से, ये मिलने वाली है आपको इसके साथ में, ठीक है। तो ये थे 5,050 मैजिक के स्टेज आइटम, आई होप कि आपको पसंद आए होंगे और आप इन्हें खरीदना चाहते होंगे 5,000 में, जो 50 आइटम आपको हम दे रहे हैं। पर ध्यान रखना दोस्तों, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं रहेगा, पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा हमारे नंबर 9307501311 पे। पेमेंट करने के बाद आपको पूरा का पूरा सामान भेजा जाएगा, 50 की 50 आइटम, जो जो मैंने 50 आइटम दिखाई है उनमें से एक भी आइटम आपके पास कम नहीं आएगी, पूरी की पूरी 50 आइटम आपको दे दी जाएगी,
है ना, जो कि 8 से 10 दिनों के अंदर आपको रिसीव हो जाती है। तो देर ना करें, जल्दी से कॉन्टैक्ट करें हमें नंबर 9307501311 पे, जो कि स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, और जल्दी से ऑर्डर करें। आप भी एक अच्छे मैजिशियन बने, नाम एवं दाम कमाएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट मजेदार मैजिक ट्रिक की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।